आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी सब्जी यानी कि गाजर आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्ज़ी। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही लजीज होती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। ये देखिए, गाजर को मैंने छील के और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू को भी मैंने थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। तो गाजर को भी आपको थोड़ा सा मोटा ही काटना है, अदरवाइज़ ये घुल जाती है जब सब्ज़ी बनती है। तो इसे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म करने रखा है। मैं इसे सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। सरसों के ऑयल में बनाते हैं तो सरसों के ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। साथ में ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों। बारीक वाली सरसों है मेरे पास, आपके पास अगर मोटी वाली हो तो वो आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच ये ऐड कर रही हूँ। और अब इसको हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। जो हमने सरसों ऐड करी है इसके अंदर, उसको थोड़ा सा चटकने देंगे, नहीं तो इसका जो टेस्ट आता है वो कड़वा आता है। तो उसको थोड़ा चटकने देते हैं। और चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी जो कच्चेपन की जो महक होती है, जो स्मेल आती है इसके अंदर कच्चेपन की, वो निकल जाएगी। और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके वो ऐड कर लेंगे। और इस टमाटर को अब हमें थोड़ा सा पकाना है, सॉफ्ट करना है। तो इसमें हम थोड़े से मसाले भी ऐड कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और हमारे मसाले अच्छे से भुन के तैयार होंगे, जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इस मसाले को भुनने देते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर गाजर और आलू ऐड कर लेंगे, जो हमने काट के रखे हुए हैं। तो मसाले को आपको इस तरह का होने तक पकाना है, जब तक ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे पकाना है। उसके बाद इसमें कटी हुई गाजर और आलू एक साथ ही ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए आप मसाले के साथ इसको भून लें तो और भी अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट के लिए चलाते हुए हमने इसको भून भी लिया है। अब इसमें हम तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मेरे पास ये चाय का जो कप है, छोटा वाला, इससे मैं ये 1/2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें हम 2 विसल लगाएंगे। 1 विसल हाई फ्लेम पर लगाएंगे और 1 बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें 1 विसल आने देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो प्रेशर कुकर में 2 विसल आ गई थी, मैंने इसको ठंडा होने दिया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसमें जो पानी डाला था उसका थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा हुआ है, ये देखते हैं हम इसमें। ये हल्का सा है, आप चाहें तो इस तरह से सब्ज़ी को रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा और पका लें। ये देखिए, आलू हमारे गल चुके हैं और हमारी जो गाजर थी वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और धनिया बारीक कटा हुआ। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। ये जो सब्ज़ी बनती है इसे आप थोड़ा सा चटपटा सा बनाएं, तीखा बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं फ्लेम को ऑन करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। हल्की सी ड्राई अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो ये जो इसके अंदर मॉइस्चर आपको दिख रहा है, ये 1 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा। हाई फ्लेम करके आप 1 मिनट पका लें। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसका जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए,
अब इसको हम कवर करके रखेंगे, ढक के रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम सब्ज़ी को कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ड्राई सब्ज़ी बनी हुई है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ये गाजर आलू की सब्ज़ी बनके रेडी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों को आप इसे ज़रूर खिलाएं। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।